सब आपको दिखाते हैं, देश विदेश प्रदेश में मचा घड़ी घड़ी घमासान, खबरों का तूफान। बिल्कुल, तो सबसे पहले बात यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए लोगों को अब और इंतजार नहीं करना होगा। एबीपी गंगा को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक निकाय चुनाव की तारीख सामने आ गई है। हालांकि अभी इस पर फाइनल मोहर लगना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में इस बार नगरीय निकाय चुनाव आगामी दिसंबर में 4 चरणों में करवाए जाने की तैयारी है। राज्य चुनाव आयोग दिसंबर के महीने में ही चुनाव संपन्न करवा लेने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो इन चुनावों की मतगणना जनवरी के पहले हफ्ते में होगी और जनवरी में ही चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। नगर पालिका चुनावों के लिए यूपी के जिला प्रशासन से भी जुड़े लोगों ने मतदाता सूची को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए डोर टू डोर निरीक्षण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी निकाय चुनावों के लिए कमर कस चुकी है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी फिरोजाबाद में बैठक कर एक एक वोट पक्का करने की कोशिश की। तो राष्ट्रीय लोकदल भी निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है और लगातार बैठक कर रही है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को जौनपुर कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर स्थानीय निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में 5,000 करोड़ की लागत से तैयार पहला डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया है। इस डाटा सेंटर में देश के करीब 60% लोगों के सोशल मीडिया का डाटा सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही बैंकिंग, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा संबंधित अन्य डाटा भी यहां सुरक्षित होंगे। इस मौके पर उनके साथ औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, विधायक धीरेन्द्र सिंह और तेजपाल नागर मौजूद रहे। यहां उत्तर प्रदेश सरकार और हीरा नंदानी ग्रुप के बीच MOU साइन किया गया। करीब 3 लाख स्क्वायर फीट परिसर में फैले इस डेटा सेंटर पार्क की बिल्डिंग को YOTA D1 नाम दिया गया है। इस एक डेटा सेंटर बिल्डिंग की कुल क्षमता 5,000 सर्वर रैक की है। साथ ही 28.8 मेगावाट IT पावर की सुविधा है। इससे तकरीबन 48 घंटे का IT पावर बैकअप मिल सकेगा। सोशल मीडिया पर कई तरह के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, जिससे अलग अलग तरह की बहुत बड़ी मात्रा में डेटा निकलता है। डेटा सेंटर नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर सर्वर का एक बड़ा समूह है। डेटा सेंटर में इसी डेटा का स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसका इस्तेमाल कई तरह की कंपनियां करती हैं। तय परियोजना के मुताबिक कुल 6 डेटा सेंटर बिल्डिंग बनाई जानी है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट को तय करना है कि वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल मामले की सुनवाई हो सकती है या नहीं। हाई कोर्ट में आज केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने एक नया हलफनामा पेश किया। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ASI के डायरेक्टर जनरल ने बंद लिफाफे में अपना हलफनामा कोर्ट के सामने पेश किया, जिसमें कहा गया कि कोर्ट अगर आदेश देती है तो ASI ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर सकता है। अनुमति दी गई, हमको निर्देशित किया गया, तो हम ज्ञानवापी परिसर का और विश्वनाथ मंदिर का सर्वे करके माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछली सुनवाई में जवाब दाखिल न करने पर कोर्ट ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय पर 10,000 का हर्जाना लगाया था, जिसके बाद ASI के DG ने व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर हलफनामा दाखिल किया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी केस के सभी पक्षों को हलफनामे का अध्ययन करके 10 दिन में अपनी राय दाखिल करने का वक्त दिया है। और अब 11 नवंबर को हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष का मानना है कि जब अदालत ने आदेश दे दिया है ASI सर्वे के लिए तैयार है, तो अब सर्वेक्षण के काम में कतई देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोला गोकर्णनाथ सीट पर BJP प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार खत्म होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी ने लखीमपुर खीरी में जनसभा की और भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के लिए समर्थन मांगा। अरविंद गिरी जी के सपनों को साकार करने के लिए सीएम गिरी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जहां तक आवाज जारी बोले वहां तक हाथ उठा करके मुझे आश्वस्त करिए, सभी लोग सहमत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए चुनाव से पहले ही सपा ने हार के बहाने तलाशने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है, अभी से ढूंढने लग गई है, अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर अब पहले तो EVM को दोषी ठहराते थे और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। गोला गोकर्णनाथ सीट भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन से खाली हुई, जहां भाजपा ने दिवंगत अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।
तो हाल ही में जेल से रिहा होने वाले श्रीकांत त्यागी ने मुजफ्फरनगर में त्यागी समाज की जनसभा की और भाजपा के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। यूपी के नोएडा में महिला से विवाद के बाद चर्चा में आए श्रीकांत त्यागी ने मुजफ्फरनगर में किसान नेता मांगेराम त्यागी के यहाँ त्यागी समाज के लोगों की एक सभा में हिस्सा लिया। इस दौरान श्रीकांत त्यागी ने सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। गौतम बुद्ध नगर में त्यागी समाज को अनदेखा करने का काम किया तो स्वाभाविक है समाज इसका बदला तो लेगा। श्रीकांत त्यागी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ में बड़ी सभा करके निर्णय लेंगे। त्यागी समाज के जो लोग भाजपा में छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसका बदला त्यागी समाज जरूर लेगा। ये वो समाज है जो सरकार सत्ता को बदलने की ताकत रखता है, तो चुनाव बहुत छोटा है इसके सामने, चुनाव शब्द बहुत छोटा है। श्रीकांत त्यागी ने सभा का संदेश दिया, त्यागी समाज के 95% लोग सरकार के खिलाफ हैं, जिसका असर लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है, शासन को इसकी रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है। सर्वेक्षण के बाद मदरसों के लिए सरकार का प्लान क्या है, इस तथ्य से पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले सर्वे को लेकर मदरसा संचालकों में खलबली मची हुई है। देवबंद मदरसा छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के एक हाथ में कुरान और दूसरे में लैपटॉप वाले बयान पर लंबे समय बाद ही सही जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दारुल उलूम के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कटाक्ष किया है। लैपटॉप लेकर के एक हाथ में वो कुरान पढ़ा सकेंगे न नमाज पढ़ा सकेंगे। इतना हम ऐसे अफराद को पैदा कर रहे हैं कि जो मजहबी हैं खाली सर से पैर तक हमारी मजहबी जरूरत को पूरा करें। सहारनपुर के देवबंद स्थित दारुल उलूम की रशीदिया मस्जिद में आयोजित मदरसा संचालकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मौलाना मदनी ने साफ साफ कहा है कि मदरसों को किसी भी सरकारी मदद की जरूरत नहीं। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पलटवार किया और बयान को आपत्तिजनक बताया। इस प्रकार के अरंगनलंगर बयान देकर के मदरसों को, दीनी मान पढ़ने वालों को, उन बच्चों को, उनके माता पिता को गुमराह करने का काम हो रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि मदरसों के किसी बोर्ड से जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। और चिंदौली में छठ पूजा के दौरान हादसा हो गया। छठ पूजा के दौरान पुलिया पर कई व्रती महिलाएं खड़ी थी और तभी पुलिया का एक हिस्सा टूट गया। हादसा उस वक्त हुआ जब चंदौली के चटिया में करनाशा नहर पर बनी इस पुलिया पर भारी संख्या में छठ व्रती पूजा अर्चना और अर्घ देने के लिए जुटी हुई थी। छठ व्रती महिलाएं जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही थी और पुलिया के एक सिरे पर कई लोग खड़े थे, तभी पुलिया का एक हिस्सा भरभरा कर टूट गया जिससे कई लोग नहर में गिर गए। सुबह 6:18 पर पुल पर लोग थे वो बैठ गया और एक दो पांच जाने की चोट लग गई। राहत की बात ये रही कि हादसे का शिकार हुए सभी लोग बच गए क्योंकि नहर में पानी का लेवल बहुत कम था। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। कोई चोटिल या घायल नहीं हुआ। छठ पूजा का समस्त कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। इस पुलिया का निर्माण करीब 70 साल पहले साल 1953 में हुआ था और तब से लेकर अब तक मरम्मत न होने की वजह से ये पुलिया काफी जर्जर हो चुकी थी जो हादसे की वजह बन गई। राजनीति के मैदान में अपने विपक्षियों के छक्का छुड़ा देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम से क्रिकेट के बैट के साथ चौके छक्के लगाए। रिपोर्ट देखिए। मौका था राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप टूर्नामेंट के उद्घाटन का, जहां सीएम योगी ने क्रिकेट के पिच पर हाथ आजमाया और बल्लेबाजी कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने पहली ही बॉल पर चौका लगा दिया। क्रिकेट मैदान में उतरने से पहले मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित किया और लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें नमन किया। दिव्यांग बच्चों और युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए सीएम योगी ने इतिहास में ऐसी विभूतियों को याद किया जिन्होंने दिव्यांग होते हुए भी देश और दुनिया को नई दिशा दिखाई। 8 दिवसीय कार्यक्रम को उद्घाटन कर रहे हैं, मुझे इस अवसर पर प्रसन्नता हो रही है कि मुझे जो बताया गया कि कई टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही है। यूपी में सरकार दिव्यांग जनों के लिए क्या क्या कार्यक्रम चला रही है, मुख्यमंत्री ने इसका भी जिक्र किया। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने व्हीलचेयर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए।
और फतेहपुर में हिंदू संगठनों के विरोध पर धर्मांतरण के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पादरी को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में फतेहपुर में भी धर्मांतरण का खेल जारी है। फतेहपुर की चर्च के अंदर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जिसका खुलासा हिंदू संगठन के विरोध के बाद हुआ। चर्च का पादरी ही धर्मांतरण कराने का मुख्य आरोपी है, जो लोगों को बहला फसला कर और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहा था। बीते 15 अप्रैल को चर्च के अंदर कई लोगों के धर्मांतरण कराए जा रहे थे, जिसकी VHP को भनक लगी और VHP के कार्यकर्ता चर्च पहुंचे, जिसके बाद धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ। हिंदू संगठन के विरोध के बाद पुलिस ने धर्मांतरण के मुख्य आरोपी पादरी दीपक मसीह को गिरफ्तार कर लिया है और 55 लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पादरी के पास से 4 अलग अलग पते के आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में फिलहाल पादरी ने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खबर इटावा से है, जहां 10 फीट लंबा मगरमच्छ एक घर में घुस गया। रात भर तो किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन अगली सुबह घर में हड़कंप मच गया। पता लगा कि इटावा के बैदपुरा क्षेत्र स्थित महिला सेंट्रल जेल के सामने जैतिया गांव के हरनाम सिंह के घर में रात के करीब 10 बजे 8 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया। दरवाजे पर हुई खटपट से परिवार नींद से जागा तो चारपाई के नीचे मगरमच्छ को देखा, जिसके बाद तो सभी की चीख निकल गई। जान बचाकर घर के सभी लोग पड़ोसी के घर पहुंच गए। अंदर बिटिया पड़ी थी भीतर, बस मम्मी जब चिल्लाने एकदम में तब बिटिया निकली थी वो घुस गया भीतर। गांव के लोगों को पता चला तो मौके पर भीड़ जुट गई, सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और रात में मगरमच्छ को कमरे में बंद कर दिया। सुबह होते ही पुलिस ने वन विभाग की टीम के साथ मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। इसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। काफी मशक्कत करनी पड़ी है, लगभग हम 1 घंटे से इसके रेस्क्यू में लगे हुए थे और कुछ लोगों के सहयोग से हमने इसको पकड़ा। जब तक मगरमच्छ का रेस्क्यू होता रहा, आसपास के लोगों की भीड़ लगी रही। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में छोड़ दिया। और गाजियाबाद में बंदर की जान खुद बजरंगबली ने बचा ली, जिसके बाद गंग नहर में बंदर का रेस्क्यू किया गया। गाजियाबाद में आस्था की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देर रात मुराद नगर के पास एक बंदर गंग नहर में गिर गया। किसी तरह बंदर ने तैरकर पानी में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति के पास शरण ले ली और पूरी रात हनुमान जी की चरणों में बिता दी। वीडियो में देखिए किस तरह बंदर ने हनुमान जी की शरण ले रखी है। पानी के तेज धार में बजरंग बली ने अपने ही अवतार की हिफाजत की। सुबह होने के बाद पुलिस ने बंदर का रेस्क्यू किया और उसे गंग नहर से बाहर निकाला गया। शायद ही बंदर को पता होगा कि हनुमान जी उसके लिए पुलिस के रूप में मूर्ति भेजे। बंदर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, साथ बहुत नजारा देखकर हर कोई हैरान है। हनुमान जी के अवतार कहे जाने वाले बंदर को जिस तरह शरण मिली है, ये वाकई का आश्चर्य करने वाली बात है। रायबरेली से खबर, जहां शराब के ठेके पर बंदर को शराब पिलाने का वीडियो सामने आया है, जहां बंदर को शराब पीते देखा जा रहा है। अक्सर आपने बंदरों को धार्मिक स्थलों पर प्रसाद या बैग छीनते देखा होगा, लेकिन आज आपको ऐसे बंदर से मिलवाएंगे जो रायबरेली में बने मैखाने में अपना आतंक जमाए हुए है। शराब की दुकान पर बंदर के आतंक से शराबी परेशान है। बंदर जाम छलकाते लोगों से उनके जाम को छीनकर अपना जाम बना लेता है और वहीं बियर की दुकान पर लोगों के हाथ से बोतल छीनकर कटक जाता है। मामला रायबरेली जिले के गौरा विकास खंड के अचलगंज में स्थित शराब की दुकान का है, जहां पर बंदर शराब के नशे का इस कदर आदि हो गया है कि वो हर किसी के जाम को अपना बना लेता है। शराबी बंदर की कहानी शराब की दुकान के सेल्समैन से सुनिए। एक ये बंदर है, वो परेशान करता है बहुत, अंदर से दारू खराब कर देता है, छीन जाता है, हमारे पैसे से फाड़ डालता है। शराबी बंदर के आतंक से हर एक शराबी परेशान है। आलम ये है कि मैखाने पर सिर्फ बंदर का कब्जा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।